जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अजी अजी सुनो ना, अजी सुनो। क्या री, तब से अजी अजी कर रही है? हाथ में कप लेकर कब से खड़ी हूँ मैं, अभी ठंडी हो गई होती ना तो 10 बार गर्म करने को बोलते। और अजी सुनो ना, करूँ तो क्या करूँ? हमें ना लोगों की तरह सीधे नाम लेने की आदत नहीं है ना, हमारे आई बाबा ने ऐसा नहीं सिखाया ना कभी। हाँ भाई हाँ, समझ में आया मुझे, कब से अजी अजी करके मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए। अरे बाप रे, हाँ इतने साल हो गए इस गृहस्थी को और अब मेरी आवाज से तुमको परेशानी होने लगी। बोलूंगी, अजी सुनो बोलूंगी, एक बार नहीं दो बार नहीं पूरे 100 बार बोलूंगी, अजी सुनो। अपने पतियों से ना अपने अपने हिसाब से बर्ताव करो। हाँ, पति का नाम लो, नहीं तो पति के बाप का भी नाम लो, हमको क्या करना है? हाँ, अरे उसे क्यों बोल रही हो? तो क्या, देखा ना कैसे दांत दिखा के गई यहाँ से? देर। अरे दत्ता भैया और सरिता भाभी झगड़ रहे थे, मैं वो सुन रही थी। फिर वो ना झगड़ रहे थे, मुझे कॉमेडी लग रहा था। सरिता भाभी दत्ता भैया को अजी 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 कह रही थी। काकी, एक कप ही चाय बची है, तुम ये अभी काका को दे दो, मैं और बनाती हूँ और तुम्हें लाकर देती हूँ। हाँ देती हूँ। सरिता भाभी जरा हटिए ना, मेरे एजी को चाय देनी है। क्या री, खड़े खड़े दांत क्यों दिखा रही है? चल चाय दे पहले मुझे। चाय ही बना रही हूँ आई। अभी एजी चाय लो ना। ऐसे क्या देख रहे हो एजी? एजी चाय ठंडी हो जाएगी फिर गरम करनी पड़ेगी मुझे चाय। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी। ऐसे मत देखो एजी। कावेरी क्या ये नया अजी? क्योंकि पति का नाम नहीं ना लेते जी। नहीं मुझे पसंद आया है तरीका अजी, पर ये अजी आया कहां से? सरिता भाभी दत्ता भैया को एजी कहती है, इसलिए मैं मेरे पति को एजी बोल रही हूँ, चलेगा ना? अच्छा है अच्छा है, पर सच बोलूं तुम मुझे अभी बोलती हो वो ज्यादा पसंद है। तो फिर अभी एजी या एजी अभी कहो तो चलेगा? सिर्फ अभी चलेगा। ऐसा मत करिए जी। कावेरी वो चाय
पूर्वा, मैं देख कर आती हूँ। रुक रुक, मैं भी आता हूँ। अभी लड़की की बात है, लड़की ही समझ सकती है, तुम रुको। अरे क्यों इतनी जल्दी छोड़कर चले गए? कैसे भी था अपना, पर प्यार था, रिश्ता था, मैंने आपका सब कुछ किया होता, सिर्फ आपका साथ होना ही मेरे लिए आसरा था। दो प्यार भरे शब्द में बोल तो सकती थी आपसे, अभी काका और कावेरी काकी का रिश्ता दिखाना तो लगा कि मेरी जिंदगी में भी ऐसा कोई होना चाहिए समझने के लिए। तुमने सही कहा, काकी काकी मुझे माफ कर दो, मुझे वहां नहीं आना चाहिए था। पूर्वा, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारा दर्द नहीं समझता? पूर्वा, अभी भी वक्त है, वक्त गया नहीं है, तू तेरी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकती है। नहीं काकी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं देखती हूँ क्या करना है। काकी नहीं, प्लीज तुम कुछ मत करो। देखो अभी कहीं आई बाबा तुमसे अच्छा बर्ताव करने लगे तो मेरी वजह से तुम लोगों में फिर बहस ना हो। मैं बात करता हूँ सबसे। अभी कहकर रहने दो। पूर्वा बेटा, तुझे समझ नहीं आ रहा है, अकेले पूरा जीवन गुजारना आसान नहीं है। अरे पर अकेली कहाँ हूँ, तुम सब लोग हो ना मेरे साथ। हम सब तो हैं ही ना तेरे साथ, पर पूर्वा अपने हक का कोई इंसान हो ऐसा भी तो लगता है ना। जो व्यक्ति सिर्फ अपनी खुशी का ख्याल रखे, तुझे ये सब अभी आसान लग रहा है ना, पर जीवन के एक मोड़ पर अकेलापन महसूस होता है। अभी काका, पूर्वा अभी एकदम सही बोल रहा है, तुम्हें अब खुद के बारे में सोचना चाहिए। काकी पर मुझे बहुत डर लगता है। कैसा डर पूर्वा? आई बाबा, मैंने बोला ना तुझे, मैं बात करता हूँ उनसे। मैं भी बात करूंगी, हमारे लिए तुम्हारी खुशियां बहुत इंपॉर्टेंट है। बात सुनो पूर्वा, जीवन तुम्हारा है तो निर्णय भी सिर्फ तुम्हारा ही होना चाहिए। शादी करनी है या नहीं, ये निर्णय भी कोई तुम पर थोप नहीं सकता है। और हाँ, हम तुझे फोर्स नहीं करने वाले शादी करने के लिए, पर जरा सोच के देख, ऐसे तू जी सकती है क्या? पूर्वा तेरी अभी उम्र ही क्या है, और सिर्फ आसरा देने के लिए मैं तुझे घर नहीं लाया था, तेरे भविष्य का सोचकर लाया था। हाँ, शादी की बात मैं करने ही वाला था, पर अब जब शादी की बात निकली है तो मुझे तुझसे जवाब चाहिए। ठीक है, मैं मेरी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे बात करता हूँ, फिर आता हूँ मैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।